दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलीगढ़ इंपीरियस में। तो काफी दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं और आज हम आपको अपने साइट पे लेके आए हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि वुडन फ्लोरिंग के बारे में। अगर आप भी अपने फ्लोर पे वुडन फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं, वुडन फ्लोरिंग टाइप का कनेक्शन चाहते हैं, तो आप किस तरीके से वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग के साइज क्या आते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अपने फ्लोर को एनहेंस करने के लिए आपको किस तरह से वुडन फ्लोरिंग लगानी चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। वीडियो शुरू से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ हमारे वुडन फ्लोरिंग के प्लैंक्स का काम चालू हो चुका है। और ये प्लैंक्स लगने से पहले जो होता है, फ्लोर पे हमें फॉर्म बिछानी होती है। ये हमारे प्लैंक्स को मॉइस्चराइज़र वगैरह से बचाती है, सेफ रखती है। और ये सामने भैया जो है प्लैंक्स फंसा रहे हैं। ये वुडन फ्लोरिंग के जो प्लैंक्स होते हैं वो ग्रुप्स में फंसते हैं, जैसे एक प्लैंक में खांचे बने होते हैं। इस प्लैंक्स के अंदर से दूसरे प्लैंक्स फंसा रहे हैं अब, तो इसमें खांचे बने होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हो जाती है इन प्लैंक्स की। और फॉर्म के ऊपर ही ये प्लैंक्स फिक्स किए जाते हैं। ये फॉर्म हमारी पूरी कवर्ड हो चुकी है इस एरिया में। तो जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ आधा फ्लोर जो है कवर्ड हो चुका है और बाकी अभी हमारा कुछ एरिया रह चुका है, अभी इसको भी अभी वुडन फ्लोरिंग से ही कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा करीब 200 स्क्वायर फीट का एरिया है जो कवर्ड हो चुका है वुडन फ्लोरिंग के प्लैंक से। और इसके प्लैंक्स लगाने से पहले जो फ्लोर पे जो फॉर्म लगाई जाती है, मैं उस फॉर्म को पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी बिल्कुल बहुत ही हल्की फॉर्म होती है ये हमारी फॉर्म है। आई थिंक ये अप्रोक्स 2 mm के अप्रोक्स फॉर्म है ये। 1 mm या 2 mm की फॉर्म होती है। तो उसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग के प्लैंक्स लगाए जाते हैं, जो कि आप प्लैंक्स ही देख सकते हैं। ये हमारा प्लैंक्स है जिसकी टोटल जो हाइट है वो 4 feet की हाइट है। और आई थिंक 8 inches का ये प्लैंक है। 8 inches 6 inches में इस तरह से प्लैंक्स आते हैं ये। और अभी जो हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, इस कार्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारी वुडन फ्लोरिंग फ्लोर पे लग चुकी है, बाकी इसकी साइड जो आप देख रहे हैं इसमें स्कार्टिंग का काम चल रहा है। और बाकी अभी जो हमारा अंदर का एरिया है, यहाँ इस छोटे एरिया में और हमारी रह रही है लगना। इस तरह से स्कार्टिंग लगती चली जाएगी। ये स्कार्टिंग लगने से ये होता है कि इसमें फ्लोर हमारा और एनहेंस दिखता है। और बाकी इस समय जो आप गैप देख रहे हैं विदाउट स्कार्टिंग, ये गैप भी फिल हो जाता है और जो देखने में भी काफ़ी सुंदर सा लगता है स्कार्टिंग की हेल्प से। तो स्कार्टिंग की जो हमारी लेंथ की बात करते हैं, तो स्कार्टिंग हमारी डायरेक्ट कंपनी से ही उसी कलर के हिसाब से आती है और 8 feet की लेंथ आती है स्कार्टिंग की। 8 feet की लेंथ में 4 inches की स्कार्टिंग आती है हमारी। और प्लैंक की जो मैंने आपको हाइट बताई थी, 4 feet की प्लैंक की हाइट थी। ये सामने की तरफ स्कार्टिंग को जो है भारत वाले लोगों से इसमें को दीवार में जाम कर रहे हैं। ये सिलिकॉन की हेल्प से भी हम इसको चिपका सकते हैं स्कार्टिंग को, बट यहाँ अभी हम सिलिकॉन यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। सामने पूरी स्कार्टिंग की लेंथ लग चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो है हमारा इस रूम में वुडन फ्लोरिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है पूरा। और अभी दूसरे रूम में और अभी वुडन फ्लोरिंग का कहीं काम चल रहा है। तो ये रूम हमारा पूरा रेडी है, यहाँ स्कार्टिंग वगैरह भी सब कुछ रेडी हो चुकी है। बाकी अभी इंटीरियर्स का भी और वर्क होना बाकी है इस रूम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग रेडी होने के बाद में कितना सुंदर लगता है, वुडन फ्लोरिंग लगने के बाद में हमारा जो फ्लोर होता है। और वुडन फ्लोरिंग में एक खास बात होती है कि इसके जो जॉइंट्स होते हैं प्लैंक्स के, वो बिल्कुल नहीं दिखते, पूरा एक ही सिमेट्री में दिखता है फ्लोर हमारा। बिल्कुल भी जॉइंट्स इंटरलॉक होने के बाद में बिल्कुल पता नहीं लगते। ये कम्प्लीट पूरा हमारा फ्लोर हमारा रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब